वॉचिंग ललिताज इंग्लिश क्लासेस। आज हम पार्ट टू देखेंगे मॉडल्स का। हमने इसके पहले वाले वीडियो में यूज टू का पार्ट वन देखा था। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप उसे जरूर देखें। तो आज हम नेगेटिव देखेंगे, यूज टू का नेगेटिव। अब ये यूज टू क्या होता है, ये एक मॉडल है और इसका उपयोग हम तब करेंगे जब हमें पास्ट की कोई हैबिट बतानी हो, भूतकाल की अगर हमें कोई बात बोलनी हो कि मैं वह करा करता था, मैं जाया करता था, मैं ये काम किया करता था, उस जगह आप इस मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। तो आज पार्ट टू है। इस पार्ट टू में हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, मतलब नहीं किया करता था। पहले हमने सीखा था पॉजिटिव, किया करता था, अब हम सीख रहे हैं नहीं किया करता था। ठीक है, तो आइए इसका पहले स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट तो हमें लगाना ही है, उसके बाद अब हमें डिड नॉट का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, डिड नॉट का, और फिर उसके बाद हम अब यूज्ड नहीं लिखेंगे। मैंने यहाँ यूज कर दिया है यूज्ड को। पहले वाले वीडियो में हमने यूज्ड का यूज किया था, USED। अब हम डी का उपयोग नहीं करेंगे, अब हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। यूज्ड सेकेंड फॉर्म होती थी। तो यूज टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। तो आप यहाँ ध्यान रखें कि डिड नॉट लगाने के बाद हम यूज्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिड भी एक सेकेंड फॉर्म है, यूज्ड भी सेकेंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में दो सेकेंड फॉर्म नहीं हो सकती, ये रूल है इंग्लिश का। ठीक है, और एक और बात, डिड नॉट के स्थान पर आप डिडंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस, वह गाना नहीं गाया करता था, वह गाना नहीं गाया करता था। ही डिड नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग, ही डिड नॉट यूज टू सिंग सॉन्ग। सेकेंड सेंटेंस, वे पतंग नहीं उड़ाया करते थे, दे डिड नॉट यूज टू, फिर उड़ाने के लिए फ्लाई और पतंग के लिए काइट, दे डिड नॉट यूज टू फ्लाई काइट। नेक्स्ट सेंटेंस, हम वहां नहीं खेला करते थे, वी डिड नॉट यूज टू प्ले देयर, वहां के लिए देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, रोहन पैसे नहीं चुराया करता था, रोहन डिड नॉट यूज टू स्टील मनी, रोहन डिड नॉट यूज टू स्टील मनी। नेक्स्ट सेंटेंस, वह क्रिकेट नहीं खेला करती थी, अब लड़की है, वह आ रहा है और किसके लिए यूज किया जा रहा है, गर्ल के लिए या किसी भी लड़की के लिए, वह, तो शी का यूज करेंगे, शी डिड नॉट यूज टू प्ले, और आप क्रिकेट आगे लिख लें क्योंकि ये हिंदी में लिख रखा है क्रिकेट, तो इंग्लिश में भी हम लिख देंगे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम झूठ नहीं बोलते थे, तुम झूठ नहीं बोलते थे, यू, अब मैंने कुछ सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया है और कुछ सेंटेंस में मैंने डिडंट का यूज किया है, और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोनों सीखें क्योंकि दोनों का उपयोग किया जाता है। तो यू डिडंट यूज टू टेल अ लाई, झूठ बोलने के लिए एक फ्रेज यूज किया जाता है, टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं गांव में नहीं रहा करता था, आई डिडंट यूज टू लीव, रहने के लिए लीव आएगा, इन द विलेज, गांव को हम विलेज बोलेंगे। मेरे पापा मुझे नहीं पीटते थे, अब देखिए पीटा करते थे भी बोल सकते हैं और पीटते थे भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही है। माय फादर डिडंट यूज टू, पीटने के लिए बीट और नी आएगा मुझे के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में। उसका भाई यहाँ नहीं बैठा करता था, या उसका भाई यहाँ नहीं बैठता था, ऐसा भी बोल सकते हैं। His brother didn't used to sit here, यहाँ के लिए here, वहाँ के लिए there यूज किया था हमने। और आज का लास्ट सेंटेंस है, मैं खिलौने नहीं खरीदता था, या मैं खिलौने नहीं खरीदा करता था, I didn't used to buy toys, खिलौनों को हम कहेंगे toys। तो आज हमने ये used to का negative सिखा है, जिसमें हम did not लगा कर फिर use लगाएंगे और फिर to लगाएंगे। तो आप सबको मैं आशा करती हूँ कि ये जो आज का वीडियो है वो समझ में आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी इंग्लिश में पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।